हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोब फोटोशॉप CS5 में स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बारे में जानेंगे। ये टूल हमें टूल बॉक्स में 7th नंबर पर मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम एक बार इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इस फ्लाईआउट में और भी टूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, देन यहाँ पर सेकेंड है हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, रेड आई टूल। आप देख सकते हैं इन सभी की शॉर्टकट यहाँ पर जे है। आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ जे प्रेस करके वन बाय वन इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हम इस पर क्लिक करते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से आप क्विकली अपनी इमेजेस पर से ब्लेमिशेस या आपकी इमेज पर किसी तरह की कोई इम्परफेक्शंस हैं वो आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि आपने हमारे पहले वाले ट्यूटोरियल में देखा था कि हीलिंग ब्रश टूल का जब हम यूज करते हैं तो तब हमें वहां पर उसके लिए सोर्स पॉइंट या सैंपल स्पेसिफाई करना पड़ता है, बट स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में हमें किसी तरह का कोई सोर्स पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ एक इमेज है जहाँ पर हम इस होर्स को इस इमेज के ऊपर से हटाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली अपने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से इस होर्स को इस इमेज के ऊपर से रिमूव कर देंगे। अगर आप अपने इस ब्रश का साइज बढ़ाना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप अगर आप अपने ब्रश के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से राइट ब्रैकेट की को प्रेस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसे डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से लेफ्ट ब्रैकेट की को प्रेस करते जाएंगे तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का साइज डिक्रीज होता जाएगा। इसके अलावा आप ऑप्शंस बार पर जाकर, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें ब्रश का साइज दिखा रहा है 25। हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं। आप यहां से भी इस स्लाइडर की हेल्प से अपने ब्रश के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। अब हम अपने ब्रश को इस होर्स के ऊपर ड्रैग करेंगे। और अब हम यहाँ पर अपने लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है कितना क्विकली और कितना स्मूथली होर्स को इस इमेज के ऊपर से रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हैं इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक और इमेज है, हम उसे ओपन करते हैं। अब हम इस इमेज के ऊपर से इस किड को रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को इस किड के ऊपर मूव करेंगे, इस किड के ऊपर ड्रैग करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है इस इमेज के ऊपर से किड की इमेज को रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से बिना कोई सैंपल या बिना कोई सोर्स पॉइंट स्पेसिफाई किए बिना तो इस तरह आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है कितना क्विकली और कितना इजीली इस इमेज के ऊपर से किड को तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है कितना क्विकली और कितना इजीली इस इमेज के ऊपर से किड की इमेज को रिमूव कर दिया है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी परछाई भी हमें दिख रही है, हम इसे भी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से रिमूव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो इसकी परछाई को भी यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से कोई सैंपल एरिया या कोई सोर्स पॉइंट डिफाइन किए बिना अपनी इमेज के ऊपर से अनवांटेड पोर्शन को या अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोब फोटोशॉप CS5 में स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बारे में जानेंगे। ये टूल हमें टूल बॉक्स में 7th नंबर पर मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम एक बार इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो
तो आप देख सकते हैं इस फ्लाईआउट में और भी टूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, देन यहाँ पर सेकंड है हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, रेड आई टूल। आप देख सकते हैं इन सभी की शॉर्टकट यहाँ पर जे है। आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ जे प्रेस करके वन बाय वन इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हम इस पर क्लिक करते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से आप क्विकली अपनी इमेजेस पर से ब्लेमिशेस या आपकी इमेज पर किसी तरह की कोई इम्परफेक्शंस हैं वो आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि आपने हमारे पहले वाले ट्यूटोरियल में देखा था कि हीलिंग ब्रश टूल का जब हम यूज करते हैं तो तब हमें वहां पर उसके लिए सोर्स पॉइंट या सैंपल स्पेसिफाई करना पड़ता है, बट स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में हमें किसी तरह का कोई सोर्स पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ एक इमेज है जहाँ पर हम इस होर्स को इस इमेज के ऊपर से हटाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली अपने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से इस होर्स को इस इमेज के ऊपर से रिमूव कर देंगे। अगर आप अपने इस ब्रश का साइज बढ़ाना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप अपने ब्रश के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से राइट ब्रैकेट की को प्रेस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसे डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से लेफ्ट ब्रैकेट की को प्रेस करते जाएंगे तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का साइज डिक्रीज होता जाएगा। इसके अलावा आप ऑप्शंस बार पर जाकर, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें ब्रश का साइज दिखा रहा है 25, हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ से भी इस स्लाइडर की हेल्प से अपने ब्रश के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। अब हम अपने ब्रश को इस होर्स के ऊपर ड्रैग करेंगे। और अब हम यहाँ पर अपने लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है कितना क्विकली और कितना स्मूथली होर्स को इस इमेज के ऊपर से रिमूव कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक और इमेज है, हम उसे ओपन करते हैं। अब हम इस इमेज के ऊपर से इस किड को रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को इस किड के ऊपर मूव करेंगे, इस किड के ऊपर ड्रैग करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है इस इमेज के ऊपर से किड की इमेज को रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से बिना कोई सैंपल या बिना कोई सोर्स पॉइंट स्पेसिफाई किए बिना तो इस तरह आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है कितना क्विकली और कितना इजीली इस इमेज के ऊपर से किड को तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है कितना क्विकली और कितना इजीली इस इमेज के ऊपर से किड की इमेज को रिमूव कर दिया है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी परछाई भी हमें दिख रही है, हम इसे भी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से रिमूव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो इसकी परछाई को भी यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से कोई सैंपल एरिया या कोई सोर्स पॉइंट डिफाइन किए बिना अपनी इमेज के ऊपर से अनवांटेड पोर्शन को या अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोब फोटोशॉप सीएस